हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज नेचर के बीच थोड़ा आपको नेचर के बीच सैर कराते हैं, नेचर का नज़ारा दिखाते हैं, प्राकृतिक का। कितना सुंदर नज़ारा होता है, प्राकृतिक के बीच रहने का नज़ारा ही अलग होता है। मतलब इतना शांत शांत वादियों में रहने का मज़ा ही कुछ अलग है। इतना ठंडा ठंडा हवा चलता है, हरा भरा पेड़ पौधा देख के मतलब मन एकदम खुश हो जाता है। तो चलिए आपको आज नेचर की सैर कराते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत पेड़ है। ये पपीता का पेड़ है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना गजब का पेड़ है। ऊपर भी कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए लग रहा ऊपर भी पेड़ है, बहुत ही मस्त लग रहा। लेकिन जैसे कि आज बहुत ज़्यादा धूप है, देख ही सकते हो गाइज, मतलब कुछ काम नहीं भी रहने से इतना पसीना आ रहा ना, बहुत अजीब टाइप का गर्मी है। देखिए टॉमी को, टॉमी भी बेचारा गर्मी से परेशान है। देखिए पूरा मिट्टी खोद खोद के बैठा हुआ है। टॉमी, देखिए फ्रेंड्स, टॉमी को भी कितना आज गर्मी लग रहा है। जैसे कि पता ही आज कितना गर्मी है। बेचारा है तो जानवर है तो बोल भी नहीं सकता है। ये देखिए, ये है टॉमी। टॉमी कुछ बोलो, क्या हुआ टॉमी? जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जानवर है, इनको भी गर्मी लगती है। कैसे मिट्टी में बैठा हुआ है। ये देखिए, ये मेरे ही घर में रहता है टॉमी। ए टॉमी, टॉमी ओए कुछ बोलो। अभी बेचारा थका हुआ है इसलिए इसको नींद आ रहा है। कि अब गाय भी आ चुकी है, गाय माता भी आ गई है। बेचारी पैर से लंगड़ा रही है, पैर में चोट लगा है लगता है। ये लोग बेजुबान जानवर है फ्रेंड्स। लोग बोलते हैं कि ये मारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक इनको छेड़ोगे नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे। देखिए आके बेचारी पैर से, बेचारी एक पैर से लंगड़ी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।